एनएस की तरफ से उन सभी बच्चों के लिए एक मौका दिया गया है जिन बच्चों का नंबर अच्छा नहीं है, जो बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं या फिर जो बच्चे फेल हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं सभी डिटेल में इन बातों को समझाऊंगा। उससे पहले कुछ बात आपसे डिस्कस करनी है। जैसा कि मैंने कमेंट में पढ़ा था कि कुछ बच्चे ने जो है ऐसा कमेंट किया कि सर मैं अब सुसाइड करने की सोच रहा था, या इस तरीके की कमेंट जो आए, तो मैं ये कमेंट पढ़ा मैंने और इसके बाद मैंने सोचा कि चलो इस तरह की मेंटेलिटी बहुत सारी बच्चों की होगी, तो आपको कुछ जरा बता देना चाहिए। एक बात दिमाग में बिठा के रख लेना, श्री भगवद गीता में लिखा हुआ है कि जो आपका जीवन जितना मिला हुआ है उसको आप जियो, क्योंकि अगर आप सुसाइड करते हो यानी आप आत्महत्या करते हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको मरने के बाद सुकून मिलेगा और चैन से आप, मतलब मरने के बाद आप चैन से रहेंगे, इस बात को भूल जाना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात दिमाग में ये बिठा लेना श्रीमद्भगवद भगवद गीता के अनुसार कि आपको जो है ज़िंदगी जो मिली हुई है उसको ज़रूर जियो। और बात आ जाती है परेशानी की, तो जीवन में तो बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, जीवन ही संघर्ष का दूसरा नाम है। तो यानी कि अगर आप इस तरीके से अभी छोटी सी एज में, अभी छोटी सी चीज़ में अगर आप इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना आप कैसे करेंगे। तो और दिमाग में एक बात बिठा के रखना, आप सभी को मैं कहता हूँ कि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, इसमें आपके जीवन के सभी सवालों का जवाब मिलेगा। और दिमाग में बिठा के रखना एक बात, जहाँ पे परेशानी है तो वहाँ पे समाधान भी होता है। इस दुनिया की ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका समाधान ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आप नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय, और कुछ आप जो पूछना चाहते हैं वो ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको जो है वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आप में से एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सागर शर्मा, ये गए थे आज नोएडा हेड ऑफिस और वहाँ की सारी डिटेल आपके लिए जो है ये उन्होंने वीडियो शूट किया है और उन्होंने मुझे सेंड किया है। और इस तरीके के अगर आप भी मदद करना चाहते हैं दोस्तों को, तो आप मुझे, इस तरह की कोई जानकारी आपके पास हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को ज़रूर बताएँ। चलिए अब हम जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया है आपके लिए। एप्लीकेशन जमा हो रही है, देख रहे हो एप्लीकेशन जमा हो रही है, जल्दी सबमिट कर दो, 15 दिन के अंदर अंदर आपका वो आ जाएगा रिजल्ट का जो भी डिसीजन होगा। थैंक यू सो मच। तो ये आपने देख लिया, अब आप समझ गए कि आपको जो है नोएडा हेड ऑफिस जाना है। चलिए समझ गए और आप जल्दी जाइए। और बात आती है कि आज, जैसे कि आप जानते हैं, एक PIL दाखिल भी हो गई है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसमें आपको नोएडा हेड ऑफिस जाना चाहिए? हाँ, आपको जाना चाहिए, आप जाइए, ठीक है, क्योंकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।